गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में एक ही मात्रा के शब्द लिखवाने जा रहे हैं। कुछ शब्द लिखवाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो देखिए, छोटी एक ही मात्रा के शब्द हैं, तो आप ध्यान से देखिए क्या है। द और नौ क्या है? दन। इसमें हम क्या करेंगे, छोटी एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिन। क्या बन जाएगा? दिन। अब क्या है? छ और नौ, इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? छिन। फिर म और ल, इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? मिल। ह र फर, इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? फिर। घ र, इसमें अगर छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो क्या होगा? घेर। फिर उसी तरह किधर, श श और छोटी ई की मात्रा और श, क्या हो गया? शशि। क छोटी ई की मात्रा और व, तो क्या हो गया? कवि। छ छोटी ई की मात्रा और वी, क्या हो गया? छवि। ग और छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो गया? गति। प और छोटी ई की मात्रा, तो क्या हो गया? पति। तो ये आपके छोटी ई की मात्रा से बने शब्द हैं। आप इसको बार बार उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। आप इसको पहले सबसे पहले कॉपी में लिख लेंगे, कॉपी में लिख करके उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? दो में छोटी ई की मात्रा दी, नौ, तो क्या हो गया? दीन। छ में छोटी की मात्रा छी, नौ, छी। म में छोटी की मात्रा मी, लो, मी। ह में छोटी की मात्रा फी, रो, फिर। घ में छोटी की मात्रा घी, र, घीर। श और छोटी की मात्रा, स में छोटी की मात्रा सी, क्या हो गया? ससी। क व में छोटी की मात्रा कवि। छ छ में छोटी की मात्रा, तो व में छोटी की मात्रा छवि। ग त में छोटी की मात्रा गति। प और छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा पति। तो ये सारे आपके क्या हो गए? छोटी की मात्रा के शब्द हो गए। आप इसको उच्चारण के साथ कॉपी में दो बार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और कॉपी में लिख करके आप लोग हमसे चेक करवाने के लिए आएंगे और इसको उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा और हिंदी भी उसके बाद पढ़ने आएगा। जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आएगा। धन्यवाद।